स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वायरसेस के बारे में बताऊंगा। वायरसेस इस समय पूरी दुनिया को एकदम परेशान करके रखा है, पूरी दुनिया में शटडाउन चल रहा है, इंडिया में भी शटडाउन चल रहा है वायरसेस का। और प्लस बीएससी और एमएससी के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको वायरसेस के बारे में जानना होता है, तो वायरसेस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम बताएंगे आपको आज। जो है सबसे पहले देखा जाता है, वायरसेस की उत्पत्ति मुख्य रूप से समुद्र में हुई थी। समुद्र जब पृथ्वी पर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय समुद्र में सबसे पहले जीव वायरसेस आए थे। उसके बाद वायरसेस के बाद फिर बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया के बाद फिर डिफरेंट टाइप्स के यूकैरियोटिक सेल्स बने जो है। तो वायरसेस के बारे में देखिए, वायरसेस स्टडी ऑफ वायरसेस कम्स अंडर द डिसिप्लिन ऑफ वायरोलॉजी, यानी वायरोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की, इसमें हम वायरसेस के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आगे हमने लिखा था, कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वीरियन, यानी वीरियन वो पार्टिकल्स होते हैं, कंप्लीट वायरस पार्टिकल को हम बोलते हैं वीरियन जो है। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए और आरएनए। ये वायरसेस के अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो उस इन ए कोट ऑफ प्रोटीन, की प्रोटीन कोट बाहर की तरफ होती है प्रोटीन कोट, और अंदर की तरफ उसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है। सम वायरसेस हैव एडिशनल लेयर्स दैट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड एडिशनल प्रोटीन्स, यानी कि जो बाहर की लेयर है उसकी कोट है उसमें सब एडिशनल मॉलिक्यूल्स भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, क्या अदर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स होगी वो बाहर के लेयर में पाए जा सकते हैं। अब आगे है, यहाँ पे देखिए नॉन एन्वलप्ड वायरस, यानी कि यहाँ पे कैप्सिड है बाहर की तरफ, अंदर डुप्लीकेशन मॉलिक्यूल है। ये नॉन एन्वलप्ड वायरस बाहर की तरफ कोई अलग से इन्वलप नहीं है, बट यहाँ पे देखिए अलग से इन्वलप भी है। इन्वलप में देखिए यहाँ पे स्पाइक्स भी है, अलग से इन्वलप है, प्लस कैप्सिड है, यहाँ पे जो है डुप्लीकेशन मॉलिक्यूल्स है, यानी कि नॉन एन्वलप्ड वायरस एंड एन्वलप्ड वायरस दो प्रकार के वायरसेस होते हैं मुख्य रूप से जो है। अब आगे हम देख सकते हैं, वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑल सेल टाइप्स, किसी भी सेल टाइप को ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, फंजाई को भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यूकैरियोटिक सेल को भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल को भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यानी किसी भी सेल टाइप्स को वायरसेस इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस, या इन शॉर्ट फेजेस हम बोलते हैं। अब आगे देखिए, बो स्टोन वायरसेस कैन इन्फेक्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सारे ऐसे वायरसेस के बारे में हम जानते हैं जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, फंजाई एंड ह्यूमन बींग, यानी सभी को ये वायरसेस इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, चाहे इतने भी अर्थ पे जितने भी चीजें पाई जाती है सभी को इन्फेक्शन ये कॉज कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैक्टीरिया वायरस का हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये स्मॉल पॉक्स के लिए होता है, यानी स्मॉल पॉक्स आप जानते हैं छोटी मात्रा, यानी स्मॉल पॉक्स के लिए मेरे ये बैक्टीरिया वायरस ही रिस्पॉन्सिबल मुख्य रूप से होते हैं, और इसके लिए वैक्सीन ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। नेक्स्ट है पैरामिक्सो वायरस कॉजेस मम्स या थ्रोट इन्फेक्शन, यानी थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले का जो इन्फेक्शन होता है वो पैरामिक्सो वायरस से कारण होता है। अंदर देखना है यहाँ पे न्यूक्लिक मॉलिक्यूल है और बाहर की तरफ इसका कोट है, और यहाँ पे वही सेम चीज है जो है, यानी बाहर का केवल स्ट्रक्चर चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग हमको जो है डिफरेंट वायरसेस के अगेंस्ट डिफरेंट वैक्सीन बनानी पड़ती है जो है। और वैक्सीन ऑलरेडी इन वायरसेस की बन चुकी है, अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी नहीं है, लेकिन इन सभी वायरसेस की वैक्सीन ऑलरेडी है और बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है इन सभी वायरसेस के अगेंस्ट जो है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्पेस वायरस जो एक फोल्ड सोर कॉज करता है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बना रखा है जो है। नेक्स्ट ओआरएफ वायरसेस, ये एपिडर्मिस यानी कि स्किन के लेयर को मेले स्किन के लेयर में इन्फेक्शन, टॉप लेयर ऑफ द स्किन में इन्फेक्शन कॉज करता है ये वाला वायरस जो है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रैबीज वायरस या रैबडो वायरस, जैसा कि आप जानते हैं कुत्ता के काटने पे बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, तो वहां पे रैबीज नाम की बीमारी होती है, यानी कुत्ते को इन्फेक्शन होता है और फिर वो वायरस ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जाता है और तब वहां पे ह्यूमन बींग्स को बहुत इंजेक्शन लगते हैं और इससे बचाने के लिए, ये रैबीज वायरस का स्ट्रक्चर है और ये रैबीज नाम की जो बीमारी होती है उससे बचाने के लिए ये वायरस मेली रिस्पॉन्स होता है। अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लिक मॉलिक्यूल है और बाहर की तरफ यहाँ पे प्रोटीन कोट है या डिफरेंट मॉलिक्यूल से इसका आउटर स्ट्रक्चर बना हुआ है, आउटर कवर जो है बना हुआ है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टी एवन पोलीफेज और बैक्टीरियोफेज का जो है, बैक्टीरियोफेज जैसा कि नाम बता रही है बैक्टीरिया को खा जाएगा, यानी बैक्टीरिया को ये मेनली बैक्टीरिया पे ही इन्फेक्शन कॉज करता है, इसीलिए इसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ये इसका अनट्रिगर्ड फॉर्म है, ट्रिगर्ड फॉर्म में ये बैक्टीरिया से अटैच होता है और बैक्टीरिया अपना न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट करता है और बैक्टीरिया में अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है और फिर उसको एनवायरमेंट में रिलीज करता है। नेक्स्ट वायरस है एडनो वायरस या कॉमन कोल्ड वायरस, ये कोल्ड कॉज करने वाला ये वायरस है एडनो वायरस जो है, यानी कोल्ड की प्रॉब्लम इसके कारण भी होती है और बहुत सारे अदर वायरसेस के कारण भी होती है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसको हम फ्लू बोलते हैं, जो कि अटैक करता है लंग पे, नोज पे और थ्रोट पे। इन्फ्लुएंजा वायरस भी सर्दी ही कॉज करता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि लंग्स, नोज एंड थ्रोट पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। नेक्स्ट हम आगे आते हैं जो है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैप्सिड सिमेट्री, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वायरस का
उसमें हम तीन प्रकार की सिमेट्री में उसको डिवाइड करके स्टडी करते हैं। नंबर एक है हेलिकल सिमेट्री, नंबर दो है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, नंबर तीन है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। अब कैप्सिड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये है, देखिए अगर हेलिकल सिमेट्री में क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और आरएनए इनसाइड इसके अंदर आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है और अंदर की तरफ आरएनए मॉलिक्यूल होगा और बाहर की तरफ इस तरीके से कैप्सोमेर्स पाए जाते हैं, इनको हम न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं, कंपोज ऑफ हेलिकल प्रोटोमर्स। ये हेलिकल स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में टीएमबी है, टोबैको मोज़ेक वायरस है मुख्य रूप से, जो कि हेलिकल सिमेट्री में पाया जाता है। नेक्स्ट वायरस है आइकोसाहेड्रल कैप्सिड, यानी यहाँ पे क्या होता है, ईच फेस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे सभी भुजाओं पे एक ट्राइंगल शेप फॉर्म हुआ है, अंदर की तरफ यहाँ पे कैप्सोमियर्स है, गोल गोल स्ट्रक्चर जो है वो कैप्सोमियर्स है और इसके अंदर न्यूक्लियर मॉलिक्यूल पाया जाता है, यानी कि कुछ वायरसेस इस शेप में पाए जाते हैं, यानी सभी भुजाओं पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ट्राइंगल टाइप का बना हुआ है और उसमें गोल गोल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स जो है। अब ये भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रॉस करते हैं ह्यूमन बींग्स के केस में जो है। नेक्स्ट हम आते हैं कैप्सिड ऑफ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री की तरफ जो है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में फिर वही बात है, यानी कि ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, टी इवन बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये अनट्रिगर्ड फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर है, अभी ये इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा है और जब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा उस समय क्या होगा कि डिफरेंट टेल फाइबर्स इसके निकलेंगे और ये बैक्टीरिया से अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद अपना न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए जो भी इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा और फिर वहां बैक्टीरिया उसको सेंसाइज करेगा, उसके न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल को और उसके प्रोटीन्स को भी सेंसाइज करेगा, बाद में वो बैक्टीरिया के सेल को तोड़ के निकलेगा बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। लाइसोलाइटिक साइकिल में क्या होता है कि बैक्टीरिया में ये वायरस का न्यूक्लिक एसिड जाके अटैच हो जाता है और कुछ जनरेशन तक आगे उसी प्रकार से रेप्लिकेट करता रहता है जो है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो है हेडिंग है हमारा वायरल मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस एडॉप्ट डिफरेंट प्रोसेस फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि अभी इसमें कोरोना वायरस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, तो किस प्रकार से वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में किस तरीके से जाता है, कैसे वो क्या करता है, उसके लिए हम ये छोटा सा डायग्राम हमारे सामने है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि वायरस किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कॉज करता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए किसी को सर्दी या खांसी हो रही है, छींक हो रही है, तो वायरस एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, आप सभी को मालूम है। तो वायरस जब एटमॉस्फेयर में आएगा या आपके नाकों तक पहुंच गया या आपने कहीं पर टच किया और वहां पे मान लीजिए वायरस है, क्यों वहां पे वायरस है, क्योंकि वहां पे किसी ने छींका है या खांसा है, किसी कारण से वायरस सरफेस से पड़ा हुआ है, आपका हाथ वहां पे टच होता है, तो आप उसके बाद अपनी उंगली को अपने नाकों तक ले जाते हैं, मुंह तक ले जाते हैं या आंख तक ले जाते हैं। यही तीन रास्ते हैं जिसके थ्रू वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, केवल मुंह से, नाक से और आंख से। इसीलिए गवर्नमेंट की एडवाइजर ये, कभी भी हाथ को हमेशा धुलते रहे और कभी भी छुए ना, अपने हाथों को कहीं टच करने के बाद फिर अपने नाकों में लगाए। देखिए अगर आपने नाक पे लगाया तो क्या हुआ, ये आपकी सेल है, ये आप हमने बोला इसको होस्ट सेल, यहाँ पे अंदर न्यूक्लियस भी है, डीएनए मॉलिक्यूल है, ईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। मान लीजिए नोज की सेल है, नाक की सेल हम मान लेते हैं, यहाँ पे वायरस एक छोटा सा पार्टिकल वायरस जो कि यहाँ पे आकर के अटैच हुआ, अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द होस्ट सेल, अटैच हुआ आकर के लग गया, ये नाक की कोशिका पे लगा। अब क्या करेगा, ये जो है एंट्री ऑफ वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड, यानी ये क्या करेगा, अपना डीएनए मॉलिक्यूल इंजेक्ट करेगा इस नॉर्मल सेल के अंदर, यानी डीएनए आरएनए जो भी इसके अंदर है वो मॉलिक्यूल ये इंजेक्ट कर रहा है इस नॉर्मल सेल के अंदर। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड अंदर आने के बाद डीएनए जो अंदर आया था वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर गया, यानी कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से सोवन, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होंगे, हमने केवल यहाँ पे चार दिखा रखे हैं जो है, तो बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होंगे और क्या होगा, इन डीएनए मॉलिक्यूल से आगे प्रोटीन मॉलिक्यूल भी फॉर्म होगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल का मतलब वायरस का आउटर स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन कोड फॉर्म होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दो तीन चार हमने बना रखे हैं प्रोटीन कोड। अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे लिखा हुआ सेंसेस ऑफ वायरल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि अभी सेंसेस हो रही है वायरस के प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की उस सेल के द्वारा जिस सेल में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे हो रहा है कि वायरस की पैकेजिंग हो रही है, यानी वायरस जो है का जो डीएनए है वो प्रोटीन कोड के अंदर पैक हो रहा है। अब यहाँ पर मैं चार ही बनाया, लेकिन होते हैं बहुत सारे वायरसेस की पैकेजिंग होगी और बहुत सारे वायरसेस है वो पैक हो जाएंगे। मैं लिख रखा है सेल्फ असेंबली ऑफ विलियंस और फॉर्मेशन ऑफ वायरस, यानी डिफरेंट बहुत सारे वायरसेस यहाँ पे फॉर्म होंगे और नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये इसको तोड़ करके, यानी इस सेल को तोड़ करके वायरसेस फ्री होंगे और फिर नई सेल को इन्फेक्ट करेंगे। अदर अदर वायरसेस के केस में अदर अदर मैकेनिज्म है, लेकिन एक जनरलाइज्ड भी हमने बताया कि इस प्रकार से वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं, यानी हमारी बॉडी में सेल में जाने के बाद इस तरीके से वायरसेस मल्टीप्लाई करेंगे। वायरस नॉन लिविंग होते हैं, यह आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में नॉन लिविंग के रूप में रहते हैं, लेकिन जब किसी लिविंग बीइंग के अंदर जाते हैं तो वो लिविंग के रूप में बिहेव करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। किस प्रकार से वायरस रेप्लिकेशन करते हैं ये हमने बताया, यानी देखिए यहाँ पे हम केवल चार ही वायरसेस दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वायरसेस यहाँ पे फ्री होते हैं और सेल को तोड़ के निकलते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद इस तरीके से वो बहुत सारे वायरसेस फॉर्म हो जाते हैं और सर्दी या खांसी या छींक के थ्रू वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद फिर वो दूसरे को इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
तो वायरसेस के लिए अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यानी इंडिया में अभी कोरोना वायरस बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यानी किस प्रकार से गवर्नमेंट एडवाइजरी कर रही है कि आप किस तरीके से रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर निकलने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वायरस के बारे में एक चीज और भी है कि ये 37 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो थोड़ा सा जो इसका स्प्रेड है वो कम होगा। ह्यूमन बींग की बॉडी में 37 पे आराम से वायरस सड़ जाता है, लेकिन बाहर एटमोसफेयर में सर्वाइव कम समय के लिए कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करेगा वैसे वैसे कम से कम ट्रांसमिशन इसका कम होगा, बट वायरसेस रहेंगे जो है। अभी क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जिसकी भी इम्यूनिटी डाउन है, जैसे हमारे यहाँ जो भी ओल्ड एज पर्सन है या फिर जो भी बार बार बीमार पड़ते हैं, उनके लिए वायरस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इंडिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अगर यहाँ पे ये वायरस स्प्रेड हुआ तो, क्योंकि एंटीबायोटिक हमारे पास नहीं है, कोई भी वैक्सीन हमारे पास नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमको हो सकती है। वैक्सीन के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे वैक्सीन कैसे बनती है। अब ये जान लीजिए कि अलग अलग वायरसेस के लिए अलग अलग वैक्सीन होती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, अलग अलग वायरसेस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी फॉर्म होती है। इन एंटीबॉडीज को कभी कभी हम वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं, कभी कभी हम पूरा पूरा जो लाइव एनिमल लाइव वायरस है या लाइव बैक्टीरिया है उसको भी हम ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर डालते हैं वैक्सीन के थ्रू, लेकिन वहां पर डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी को हटा लिया जाता है ताकि वहां पे एंटीबॉडी फॉर्म हो जाए। जो 15 डेज का आइसोलेशन चल रहा है अभी इंडिया में, यानी कि 15 दिन के लिए अलग रहना है, तो 15 दिन में क्या होता है, एंटीबॉडी हमारी बॉडी फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, हमको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, और उतने वेंटिलेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए आदमी की डेथ भी हो सकती है। जिनकी इम्यूनिटी डाउन है उनकी वायरसेस से डेथ हो सकती है। अगर हमारे पास कोई एंटीडोट होता, यानी वैक्सीन मेरे पास होती या कोई दवा होती जो कि उसको चेक कर सकती थी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसा कि अदर वायरसेस के लिए हमारे पास एंटीवायरस बहुत सारी ड्रग्स हैं और वो हम चला करके उसको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, बट अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यानी कि इसकी कोई दवा नहीं है हमारे पास, इसीलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। थैंक यू। हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।